हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आप भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ यहाँ पे। आज की वीडियो में 46 क्वेश्चन है दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे थ्योरी सेशन देखना हो, एमसीक्यू देखना हो, चाहे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन देखना हो, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन। और मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। इस तरह से प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं करा रहा है कि डेली बेसिस पे आपको कोई प्रोवाइड कराए, वो भी फ्री में, कोई चार्ज आपको नहीं ले रही हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन द्वारा मापे जाते हैं। यानी दोस्तों, समस्त परीक्षण होता है, फिर मापन होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। ये याद रखिएगा, पहले किसी चीज़ का परीक्षण होता है, फिर उसका मापन होता है, तब हम मूल्यांकन करते हैं कि किस स्तर तक पहुँचा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और फिर उसमें से कूट दिया गया है। तो दोस्तों, मूल्यांकन द्वारा मापे जाते हैं तो प्रयासों की कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी ऑफ इफोर्ट्स को मापा जाता है। एंड टारगेट प्राप्ति का स्तर, आपने जो परीक्षा दिया है, टेस्ट दिया है, उसमें किस प्राप्ति तक आपका स्तर रहा है, यानी लेवल ऑफ टारगेट अचीवमेंट को देखा जाता है। गोल से कितने दूर है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम गोल। एंड कर्ता का स्तर, सब्जेक्ट का लेवल कैसा है, यानी जो करता है उसका लेवल कैसा है, प्रथम स्थान पे है कि द्वितीय पे, तृतीय पे, किस स्थान पे है, ये चीज़ें देखा जाता है इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन में। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे, घर आप सामकर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का प्रगमन यानी प्रोग्रेस होता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को आप जो दबाव है, भार है या लोड है, उसको एकाएक नहीं दे सकते, एक लाइनर में या चरणबद्ध प्रक्रिया से आप देंगे। तो लाइनर या चरणबद्ध, एक सीक्वेंस बाई देंगे। आज उसको जैसे कि 1 किलो वजन ज़्यादा दिया, कल 1 किलो ज़्यादा, यानी कि 2 किलो हो गया, फिर तीसरे दिन 1 किलो ज़्यादा। अगर एक ही दिन आप 10 किलो बढ़ा देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। तो भार का प्रोग्रेशन इस तरह रेखीय यानी कि लाइनर में एंड चरणबद्ध एक फेज आउट में होता है। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि रेखीय लाइनर एंड चरणबद्ध है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम छात्रों में इसकी भावना का निर्माण करता है। इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल दो प्रकार के कार्यक्रम है। इंट्राम्यूरल संस्था के अंदर यानी चार दीवारी के अंदर ही कार्यक्रम होता है, एंड एक्स्ट्राम्यूरल दो संस्थाओं के बीच होता है। यहाँ इंट्राम्यूरल कार्यक्रम में छात्रों में किसकी भावना का निर्माण करता है, ये आपको देखना है। तो किसकी भावना का निर्माण करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका घर राइट हो जाएगा, यानी कि बड़े पैमाने पर सहभागिता प्रदान करता है, निर्माण करता है बच्चों में। एंड अधिकतम संलिप्तता, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, 1 और 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन वाले क्वेश्चंस हैं, अभिकथन ए और तर्क आर, और इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैं इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हल करा रही हूँ, आपको दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस यहाँ पे करके जाइए। तो अभिकथन ए है कि धावक वह स्रोत से बल प्राप्त किए बिना दौड़ते हैं। तो ये तो रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, कि जो धावक है वह स्रोत से बल प्राप्त किए बिना दौड़ते हैं, ये सही नहीं है, वह स्रोत से बल प्राप्त करते हैं, ठीक है। आर है बल, गति का नियमित कारण है, तो राइट है दोस्तों, बल ही गति का नियमित कारण है। कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो विरामावस्था में ही रही जब तक उस पर कोई वाह बल न लगे। यहाँ पे ए गलत लग रहा है और आर राइट लग रहा है। तो इस प्रकार आप आंसर देते हैं अभिकथन का। तो यहाँ पे ग आपका राइट हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे भी अभिकथन और कथन का है, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अभिकथन ये है कि सिलारो यानी कि शिमला साई का हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई पर स्थित एक प्रशिक्षण केंद्र है शिमला में, ठीक है, यानी कि राइट है। एंड आर इसका तर्क है कि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर प्रशिक्षण प्राप्त करने से एरोबिक प्रकार के खेलों में प्रदर्शन में सुधार होता है, ये भी राइट है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, ए और आर दोनों राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अभिकथन है कि मुख द्वारा सेवित इंसुलिन अप्रभावी रहता है, मुख द्वारा सेवित इंसुलिन अप्रभावित होता है, तो ये राइट है, मुख द्वारा नहीं, इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। एंड आर है, इंसुलिन एलिमेंट्री कैनाल में ही नष्ट हो जाता है तथा इसके अणु का आकार आंत्र की अवशोषण करने की क्षमता से बड़ा होता है, तो ये आपका गलत है, यानी कि यहाँ पे ए राइट है और आर गलत है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि मांसपेशी द्वारा उत्पन्न की गई गति की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि यह संधि से कितने नजदीक संलग्न है, तो जबकि ऐसा निर्भर नहीं करती, वो इस पर निर्भर करती है कि कितनी दूर है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। आर क्या है, संधि से दूरी पर संलग्न मांसपेशी नदी से संलग्न मांसपेशी की अपेक्षा अधिक सशक्त गति उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे ए गलत है और आर राइट है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि नेतृत्व की स्वेच्छाचारी शैली सामान्यतः कार्योन्मुख और कठोर संरचनापूर्ण होती है, तो ये राइट है, नेतृत्व की जो स्वेच्छाचारी शैली होती है सामान्यतः कार्य की ओर उन्मुख और कठोर संरचनापूर्ण होती है। एंड आर है, नेतृत्व शैली खेल में तत्काल ही प्रभावशील निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ख राइट है, यानी कि ए और आर दोनों राइट है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि राइट तो दोनों है लेकिन जो अभिकथन ए है आर में उसका सही व्याख्या करना होता है लेकिन वो नहीं किया है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अविभाज्य हिस्सा है, सही बात है। आर है, शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा दोनों का लक्ष्य संपूर्ण व्यक्तित्व विकास है, इधर राइट है, दोनों का लक्ष्य यही है, तो यहाँ पे घ हो जाएगा, ए और आर दोनों राइट है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित कौशलों में विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड एवं सुरक्षा शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, राइट है, एकदम राइट है। एंड आर है कि विद्यालय जाने की उम्र प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षा सीखने की सही उम्र है, ठीक है, ए भी राइट है आपका, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों राइट है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि अस्थि संधियों के अत्यधिक उपयोग के कारण बास्केटबॉल के खिलाड़ियों में अस्थि मृदुता यानी सॉफ्टनेस का रोग हो जाता है, दोस्तों सही है ये भी, अत्यधिक संधियों का उपयोग करने से बास्केटबॉल के खिलाड़ियों में अस्थि मृदुता यानी कि सॉफ्टनेस का रोग हो जाता है। एंड आर है कि जोड़ों के अधिक प्रयोग से जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, ठीक है, जोड़ों पर क्या होता है, साइनोवियल द्रव्य होता है जो जोड़ों को लुब्रिकेट प्रदान करता है, ठीक है, तो अधिक प्रयोग करने से जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे 11 का ख आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों राइट है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि निराकरणीय प्राकल्पना को उसके सही होने पर भी बहिष्कृत कर देना
टाइप वन त्रुटि है। यहाँ पे ए आपका राइट है एंड आर है कि डेटा के गलत निर्वचन से टाइप वन त्रुटि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क आपका राइट हो जाएगा कि ए सही है पर आर गलत है। नेक्स्ट है ए है आपका अभिकथन कि स्फूर्ति मोटर फिटनेस का एक अनिवार्य घटक है। तो दोस्तों एकदम राइट है, स्फूर्ति जो है मोटर फिटनेस का अनिवार्य घटक है, जो भी हम शरीर की गतियां करते हैं, चलना उठना बैठना फिरना कूदना डकना ये सब। एंड आर है न्यूरोमस्कुलर तालमेल स्फूर्ति को निर्धारित करता है। तो जो न्यूरोमस्कुलर तालमेल है वो इसको निर्धारित करता है। तो दोनों के दोनों बहुत सही है दोस्तों, तो ए और आर दोनों राइट है, ग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि मांसपेशीय शक्ति मांसपेशी को संकुचन गति का मापन है। मांसपेशीय शक्ति मांसपेशी के संकुचन गति का मापन है, तो राइट है। एंड आर है कि मांसपेशी में तंतु प्रकार के अनुपात से मांसपेशीय शक्ति का निर्धारण होता है कि तंतु के कितने प्रकार हैं, कितने तंतु हैं, उसके आधार पर मांसपेशी में शक्ति का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एकदम करेक्टली हैं दोस्तों, दोनों ए और आर दोनों सही हैं, ग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि युक्ति और टैक्टिक्स गति का मितव्ययी उपयोग है। नहीं दोस्तों, हम जब खेल खेल रहे हैं तो युक्ति यानी टैक्टिक्स का मितव्ययी मतलब होता है कम प्रयोग, यानी कि जैसे कि मितव्ययी मतलब होता है हिंदी में मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, यानी कि यहाँ पे कम मितव्ययी का मतलब कम उपयोग। तो युक्ति का जितना ज्यादा आप टैक्टिक्स का प्रयोग करेंगे उतना ही आप बेहतर खेलेंगे। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एंड आर देखते हैं कि इसका संबंधी प्रतिद्वंदी को उसके लाइन ऑफ एक्शन को नियंत्रित करने से रोकने के लिए अपने लाइन ऑफ एक्शन का नियंत्रण करने से है। तो ये आपका राइट है, यानी कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है, ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि प्रतिमा संकेतक अनुवांशिक तथा पर्यावरण जन्य होते हैं। तो दोस्तों जो हाँ ये राइट है आपका, ये आपका राइट है कि जो प्रतिमा होते हैं वो संकेतक अनुवांशिक होते हैं या पर्यावरण जन्य होते हैं। आर है वे प्रदर्शन के पूर्वानुमान का आधार होता है। तो यहाँ पे आपका दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है दोनों राइट हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, क आपका राइट होगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट प्रत्येक संगठन में गत्यात्मक यानी डायनेमिक जीवन दायक तत्व है। तो दोस्तों कोई भी चीज होगा उसका अगर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन अच्छा होगा तो वो अधिक गत्यात्मक यानी तेजी से बढ़ेगा, जीवन दायक तत्व है, इसलिए राइट है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। एंड आर है यह सक्रियता कारक एक्टिवेशन फैक्टर बल है जो लोगों से काम कराता है, भी राइट है। इस प्रकार दोनों आपका राइट है, तो आपका आंसर हो जाएगा घ कि ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को किक मारने की निम्नलिखित यांत्रिक अवस्थाओं को प्रगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपको फुटबॉल खेल रहे हैं, किक मारेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने दिमाग के द्वारा इसको एकदम राइट मिला सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले स्टांस यानी कि क्या करेंगे, खड़े होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बैक लिफ्ट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, किकिंग करेंगे, फिर फॉलो थ्रो करेंगे। तो यहां पर राइट हो जाएगा को आपका। नेक्स्ट है कि गेम्स तथा स्पोर्ट्स के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में हुई निम्नलिखित आयोजनों की उनके प्रथम आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो आपका
ओलंपिक गेम्स जो है सबसे पहले यहां पे हो जाएगा राइट आपका ख, यानी कि राइट क्या हो जाएगा, ख आपका राइट होगा, यानी सबसे पहले ओलंपिक गेम्स होगा, उसके बाद ग्लेडिटोरियल कंबट जो पुरवाध रूम काल में होता था, एंड फिर एफ आई एफ ए इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, एंड आईपीएल जो है 2008 में। इस प्रकार सबका सीक्वेंस होगा, देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट है, मांसपेशीय व्यायाम हेतु ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों को उनकी उपलब्धता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों मांसपेशी व्यायाम जब हम करते हैं तो जो हमारे अंदर एटीपी बना हुआ है वह जब हम व्यायाम करने लगते हैं तो जो एटीपीएज होता है एंजाइम वह उसको सीपी और एडीपी और पीआई में तोड़ देता है। तो सबसे पहले हम किससे ऊर्जा लेते हैं, एटीपी से। फिर एटीपी का जो ऊर्जा होता है जब एडीपी और पीआई में टूट कर ऊर्जा देता है जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो उसके बाद खत्म हो जाता है, ये 2-3 मिनट के लिए होता है बस, उसके बाद खत्म हो गया। अब क्या करेगा, जो सीपी है वो पुनः एक्टिव हो जाएगा, पुनः एटीपी को बनाएगा, यानी कि एडीपी और पीआई को जोड़ करके एटीपी पुनः बनाता है, उसको कहते हैं फास्फोक्रिएटिन, यानी कि उसके बाद फास्फोक्रिएटिन से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। उसके बाद ग्लाइकोजिन से होगा, ठीक। फिर लास्ट में जो ट्राइग्लिसराइड यानी कि हमारे शरीर में वसा जमा होता है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। तो जो हम अनएरोबिक क्रिया करते हैं, छोटे समय के जो स्प्रिंट दौड़े हैं, 1 से 2 मिनट की जो क्रियाएं होती हैं उसमें एटीपी और फास्फोक्रिएटिन एंड ग्लाइकोजिन से ऊर्जा प्राप्त होता है, और जो लंबे समय की क्रियाएं होती हैं वहां पे ग्लाइकोजिन और ट्राइग्लिसराइड काम करेंगे। तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा घ, यानी सबसे पहले एटीपी से प्राप्त होगा, वो खत्म हो जाएगा तो फास्फोक्रिएटिन पुनः बना के देगा, फिर वो भी खत्म हो गया तो ग्लाइकोजिन से होगा, और फिर उसके बाद जो शरीर में फैट जमा है उसके बाद ट्राइग्लिसराइड देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा एक समूह एक टीम बनता है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम फार्मिंग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, स्टार्मिंग करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, नार्मिंग करेंगे, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग को करेंगे। यहाँ पे ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भारत में उन्हें प्रारंभ किए जाने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बीपीई आया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहां पे राइट क्या हो जाएगा, बीपीई आया सबसे पहले, उसके बाद बीपीएड, फिर पीएचडी, फिर एमफिल आया, यानी कि आंसर नंबर क आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों तथा संस्थानों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आप कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि आपका नेशनल फिटनेस क्राफ्ट, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था, कब, 1965 में, एंड नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का 1956 में हुआ था, एंड लक्ष्मीबाई आप सब लोग जानते हैं 1957 में हुआ था, ठीक है, 1957 में हुआ था, एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में हुआ था, ठीक है। तो अब मिलाइए आप क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 1954 में आ जाएगा आपका 4, ठीक, उसके बाद आएगा 1956 में आपका आ जाएगा A2, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है, उसके बाद आएगा 3 यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957, फिर 1 आ जाएगा नेशनल फिटनेस कॉर्प 1965। इस प्रकार यहाँ पर राइट हो जाएगा ग।
नेक्स्ट है कि शरीर संगठन यानी बॉडी कंपोजिशन को निर्धारित करने के सही क्रम को पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पे सही क्रम में आपका सबसे पहले शरीर का वजन लेंगे, ठीक है, फिर शरीर पानी के अंदर का वजन लेंगे, फिर शरीर का घनत्व देखेंगे, फिर वसा का प्रतिशत देखेंगे, फिर क्या करेंगे, त्वचा की मोटाई का मापन करेंगे, फिर इस सब को मिलाकर के वसा का प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको निकाला जाता है बीएमआई द्वारा, किसके द्वारा, बीएमआई द्वारा, ठीक है। उसका सूत्र होता है वेट इन केजी अपॉन जो लेंथ होता है वो मीटर का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है नॉक्ज बास्केटबॉल टेस्ट के परीक्षणों का सही क्रम क्या है। तो नॉक्ज बास्केटबॉल टेस्ट जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ये भी पूछता है। तो इसका सही क्रम है, इसका सही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे पहले फोर्स आएगा यानी कि स्पीड ड्रिबल टेस्ट, फिर टू आएगा बॉल बाउंस टेस्ट, फिर उसके बाद थ्री आएगा ड्रिबल शूट टेस्ट, उसके बाद पेनी कप टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार इसका सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर क। फिर है आपका हेप्टाथलॉन इवेंट को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सही क्रम में आपका होगा हेप्टाथलॉन महिलाओं से रिलेटेड है और इसमें 7 इवेंट होते हैं, 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट, जिसमें से 4 इवेंट पहले दिन होता है, 2 दिनों में होते हैं, और 3 इवेंट दूसरे दिन होता है। तो यहाँ पे पहले दिन से हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले होता है यहाँ पे राइट हो जाएगा, सबसे पहले बाधा दौड़ होगा 7, ठीक है, 7 होगा सबसे पहले, क्या होगा, बाधा दौड़ होगा, ठीक। उसके बाद आपका होगा हाई जंप, उसके बाद आपका होगा शॉट पुट, एंड उसके बाद होगा 200 मीटर। ये आपका चारों होता है पहले दिन। फिर तीसरे दिन का पहला होगा आपका लॉन्ग जंप, फिर जेवलिन थ्रो, फिर 800 मीटर दौड़, ये आपका सीक्वेंस होगा। तो राइट हो जाएगा घ। दोस्तों हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन के बारे में डिटेल में जानने के लिए ट्रिक के साथ, जैसे कि ये आपको सीक्वेंस से पूर्व याद नहीं होता, तो उस वीडियो को मेरे एथलेटिक वाले वीडियो में जाइए और इस हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, ट्राइथलॉन, पेंटाथलॉन के बारे में वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा इस ट्रिक के साथ मैंने उसमें बताया है। नेक्स्ट है दिए गए कोड का उपयोग कर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट को उनके खेले जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, टेनिस के एक साल में 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं और ग्रैंड स्लैम एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट को जीतने वालों को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दिया जाता है, जिसमें से साल के शुरुआत में सबसे पहले जनवरी के मध्य माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले किया जाता है जो 1905 से किया जा रहा है, एंड उसके बाद होता है आपका उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है जो 1891 से खेला जा रहा है मई जून के महीने में, एंड फिर आपका होता है विंबलडन ओपन जो 1877 में सबसे पुराना टेनिस सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट है टेनिस का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है यूएस ओपन अगस्त सितंबर के महीने में 1881 से हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ख। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य माह में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन ओपन जून जुलाई में, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन व यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर। एंड दोस्तों आपको क्वेश्चन में आ सकता है 2022 में ग्रैंड स्लैम किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों को जीता है पुरुषों में राफेल नडाल ने, एंड विंबलडन ओपन में जीता है नोवाक जोकोविक, एंड यूएस ओपन जीता है कार्लोस अल्कारेज। इसके लिए मैं ट्रिक के साथ बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको सूची 1 से 2 को मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको
ये देखना है कि मसल्स का नाम दिया हुआ है और मसल्स क्या कार्य करते हैं, किस अंग को अंग के लिए क्या कार्य करते हैं, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वास्टस इंटरमीडियलिस, यानी जो शरीर में क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है उसको चार पेशियों से मिलकर बना होता है। कितनी पेशियों से? चार पेशियों से, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियलिस। तो यहाँ पे कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि वास्टस इंटरमीडियलिस तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स का भाग है। तो क्वाड्रिसेप्स क्या करता है? घुटने को फैलाने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। घुटने के ऊपरी जांघ में होता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, उसका भाग है वास्टस इंटरमीडियलिस। ये करता है घुटने को विस्तारण, यानी कि फैलाता है, एक्सटेंशन करता है। एंड बाइसेप्स फेमोरिस क्या है? ये जांघ के पीछे वाले भाग में होता है, यानी जो हेमस्ट्रिंग मसल्स होती है जांघ के पीछे, वो 3 पेशियों से मिलकर बनी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। इन 3 पेशियों से मिलकर बना होता है हेमस्ट्रिंग ग्रुप। तो हेमस्ट्रिंग ग्रुप का मसल्स है बाइसेप्स फेमोरिस। ये क्या करता है? घुटने को आकुंचन, यानी घुटने को मोड़ने का काम करता है। तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 1। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन की तरफ जा रहा है। एक क की तरफ जा रहा है। एंड सी है मिडल डेल्टायर। ये डेल्टायर मसल्स क्या करेगा दोस्तों? कंधे का अपगमन करेगा, कंधे में होता है आपका डेल्टायर मसल्स। तो सी का 4 हो जाएगा। एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मारिकुले, यानी कि नितंब की पेशी होती है, हिप की पेशी होती है, हिप को विस्तारण करने में काम आती है। तो ए हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस का 2 हो जाएगा, डी का 2। इस प्रकार आपका ऑप्शन क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे आपको ध्यान से मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे दिया है मूल्य मीमांसा, प्रतिस्पर्धा, खेल और सहयोग। सबसे पहले आप देखेंगे मूल्य मीमांसा, ये प्राइस मेटाफिजिक्स से। तो आप इसको देख के आप जानते हैं कि ये आपका दर्शन शास्त्र का अंग है। तो आपका राइट हो जाएगा 3। ए का 3 कहाँ पे दिया हुआ है? ठीक है, क में ही दे दिया है। एंड खेल जो है, खेल हमेशा आपको जानते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर है। कई बार क्वेश्चन भी आ गया है कि खेल क्या है। खेल एक सांस्कृतिक धरोहर है। जब से बच्चा पेट में होता है तभी से उलटना पलटना एंड जन्म लेते ही उलटना पलटना शुरू कर देता है। ये सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये आपका राइट हो जाएगा 1, सी का 1। ठीक है। एंड सहयोग दोस्तों, सहयोग से क्या है? सहयोग में तो एक दूसरे को जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा सामाजिक परस्पर क्रिया से जोड़ने वाला कारक। तो सहयोग का हो जाएगा 2, यानी डी का 2 हो जाएगा। बचा कौन? वी। वी है प्रतिस्पर्धा, यानी कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो होती है यह क्या करती है? सामाजिक परस्पर क्रिया से तोड़ने वाला कारक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको सूची 1 से 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपका एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि बिंबाणु। तो बिंबाणु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो ए का 4 हो जाएगा, तो क ख दोनों में 4 दिया हुआ। आगे चलते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? डायबिटीज क्या है दोस्तों? तो डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। तो सी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4, सी का 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे ए का 4, सी का 1। एंड दोस्तों, जो कम हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन जो होता है कम हीमोग्लोबिन से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। तो ए का, बी का 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 3। एंड कोलेस्ट्रॉल जो होता है या मोटापा का कारण होता है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में चर्बी बढ़ने लगता है। तो डी का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ख आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सूची 1 से 2 से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखना है आपको थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। तो ए का 1 हो जाएगा। एंड साइटोप्लाज्म क्या है दोस्तों?
तो साइटोप्लाज्म में जो है कोशिका द्रव्य को कहते हैं, तो एक कोशिका में पाया जाता है, तो यहाँ पे बी का थ्री हो जाएगा, ठीक है, ए का वन बी का थ्री। एंड बाल एंड सैकेट ज्वाइंट जो है कंधे के ज्वाइंट यानी हिप ज्वाइंट और हिप और कंधे दोनों के ज्वाइंट को कहते हैं, तो यहाँ कंधा दिया हुआ है, तो सी का फोर आकर राइट हो जाएगा। एंड मेडुला यानी मज्जा जो होता है वो आपका मस्तिष्क में पाया जाता है, तो आपका डी का टू हो जाएगा। कॉर्टेक्स और मेडुला भाग होता है मस्तिष्क का, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ख ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मिलान करना है सूची वन से टू में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घ यानी ए का टू हो जाएगा। ए का नीड अचीवमेंट थ्योरी जो हो जाएगा ये व्यक्ति एवं स्थिति परक तत्व है। एंड बी का थ्री थ्री एट्रीब्यूशन थ्योरी जो होगा इसका हो जाएगा थ्री यानी कि सफलता असफलता के बारे में है। एंड सी का फोर, सी क्या है, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी इसका हो जाएगा फोर यानी कि उपलब्धि व्यवहार है। डी है अचीवमेंट गोल थियरी यानी कि उपलब्धि लक्ष्य है, ठीक है, डी का वन। इस प्रकार घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को टू से फिर से आपको मिलान करना है, तो यहां पे देखना है कि व्यवसायिक आचार शास्त्र का टू हो जाएगा यानी कि व्यवसायिक आवश्यकता, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है बी समय सारणी बनाना, तो समय सारणी जो विद्यालय के प्रकार में आप बनाते हैं, तो बी का वन हो जाएगा। एंड पाठचर्या, तो पाठचर्या में कार्यक्रमों का चयन करते हैं, तो सी का फोर हो जाएगा। एक सेकेंड, पाठचर्या में आपका हो जाएगा दोस्तों, पाठचर्या आपका हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर, पाठचर्या में आपका हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर। एंड आयु अभिलक्षण जो है इसका हो जाएगा फोर। औपचारिक कार्यक्रम क्या हो जाएगा इसका, कार्यक्रमों का चयन, आयु अभिलक्षण में हम कार्यक्रमों का चयन करते हैं कि इस आयु वर्ग के लिए एक कार्यक्रम रहेगा, इस आयु वर्ग के लिए एक कार्यक्रम रहेगा, तो आपका ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34वां क्वेश्चन कि सूची एक को दो के साथ सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है जो आपको आ रहा है पहले उसको मिलाइए। सब्जियां आपका किस में आ जाएंगी, विटामिन में, तो सी का फोर हो जाएगा। सी का फोर कहाँ दिया है, घ दोनों में दिया है, एक और मिलाते हैं। ब्रेड अनाज चावल किस में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में, तो डी का वन, तो डी का वन, सी का फोर, ठीक। मांस मुर्गी मछली ये सब किस में आ जाएंगे, प्रोटीन्स में, तो बी का थ्री हो जाएगा। एंड दूध पनीर योगर्ट ये सब किस में आ जाएंगे, मिनरल्स में, खनिज लौह में, तो ए का टू हो जाएगा। इस प्रकार आपका घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलाना है आपको सूची एक से टू में, तो यहाँ पे दिया है मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज होता है वो पैंक्रियाज से स्थायित्व होने वाले पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से इंसुलिन की कमी से होता है, तो डी का टू हो जाएगा। एंड जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजुआ से कारण होता है, आपका ए का वन हो जाएगा, तो ए का वन डी का टू यहाँ पे हो गया। एंड दोस्तों खसरा और डेंगू, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपका खसरा हो गया, खसरा के बैक्टीरिया के कारण होता है, नो खसरा आपका वायरस के कारण होता है, ठीक है, तो सी का फोर हो जाएगा। और डेंगू भी दोस्तों वायरस के कारण होता है, यहाँ पे गलत ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, डेंगू भी आपका वायरस के कारण होता है। इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा क।
नेक्स्ट है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स क्वेश्चन है, सूची एक से दो से आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे क आपका राइट है, अब आप मिला सकते हैं, यानी कि ए का फोर हो जाएगा, यानी कि मानक विचलन इसका सूत्र हो जाएगा ज्ञात करने का, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपान यन, ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपान यन का स्क्वायर, एंड बी है माधिका, माधिका का हो जाएगा थ्री, माधिका ज्ञात करने का थ्री हो जाएगा, यानी कि एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपान एफ कोष्टक में एम माइनस सी। सी है टी अनुपात, सी क्या है टी अनुपात, तो सी का हो जाएगा टू, यानी कि एक्स आई एक्स वन माइनस एक्स टू अपान एस ई डी। फिर है माध्य, माध्य का हो जाएगा वन, यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन गुड़े आई, इस प्रकार को आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू से पुनः मिलान करना है, तो यहां पे राइट हो जाएगा ख, यानी कि ए का फोर होगा, विविक्त चर का फोर होगा, यानी कि सीट ऑफ गोल स्कोर्ड के लिए ये चर प्रयोग होता है। बी है गुणपरक चर, मल्टीप्लिकेटिव चर, तो मल्टीप्लिकेटिव में आप क्या हो जाएगा, बी का थ्री, यानी कि आयु आई क्यू स्कोर, ये सब हम मल्टीप्लीकाई करके मल्टीप्लीकेशन करके ज्ञात करते हैं। एंड नियंत्रण चर, कॉन्सेस्ट चर, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई और वजन। नियंत्रित चर यानी कंट्रोलेड चर, ये होगा रूम टेम्परेचर सैंपल साइज, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्रकार ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सूची एक को दो से आपको मिलान करना है, और ये है आपका परीक्षा मापन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि कई वीडियो में आपको प्रैक्टिस करा दिया गया है, तो आप आसानी से इसको दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो क्रॉस बेबर टेस्ट, कई बार बताया गया है कि यह न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को मेजर करता है, तो ए का थ्री हो जाएगा, ठीक है। एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या करता है, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है, तो बी का फोर हो जाएगा, ठीक है, तो ए का थ्री हो जाएगा, ए का थ्री, यानी क्रॉस बेबर टेस्ट न्यूनतम मांसपेशी क्षमता को मापता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हृदय श्वसन क्षमता को मापता है, एंड कूपर टेस्ट इंड्योरेंस को डेवलप करता है, सहन शक्ति को, तो सी का वन हो जाएगा। इन्होंने कूपर ने 12 मिनट रन वॉक एंड साइकिल स्विमिंग एंड तैराकी ये सब खोज किया था। एंड स्कॉट एंड फ्रेंच टेस्ट यह है लोच को मापता है, तो डी का टू हो जाएगा, इस प्रकार क आपका राइट होगा। नेक्स्ट है सूची वन का टू से फिर मिलान करना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो आपको आ रहा है जल्दी से उसको मिलाइए दोस्तों। लोच आपका हो जाएगा पोस्ट आयोमेट्रिक इनपुट, जो आपको मैंने फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचशीलता को डेवलप करने की विधियाँ बताए हैं, स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड, तो पोस्ट आयोमेट्रिक इनपुट जो है पीएनएफ मेथड में होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधि है। एंड बी है सहन शक्ति, जो फाटले प्रशिक्षण होता है वो सहन शक्ति को मेजर करता है, तो ए का फोर हो जाएगा एंड बी का वन हो जाएगा। स्फूर्ति, स्फूर्ति से हम किसी चीज को नियंत्रण और नियमन करते हैं, तो सी का टू हो जाएगा। एंड शक्ति जो है प्लायोमेट्रिक, विस्फोटक शक्ति प्लायोमेट्रिक के अंतर्गत आता है, तो प्लायोमेट्रिक से विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है, तो डी का थ्री हो जाएगा, इस प्रकार यहां पर राइट है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन से सूची टू में पुनः मिलान करना है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क, यानी कि ए का तैयारी
काल वन, तैयारी काल टू, प्रतियोगिता काल, संक्रमण काल दिया हुआ है। जैसे कि अवधिकालीनता में मैंने आपको इस सब के बारे में डिटेल में बताया है, उस थ्योरी सेशन को आप देख लीजिएगा। तो अवधिकालीनता में पीरियडाइजेशन में तीन फेज होते हैं, प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड और रिकवरी पीरियड, यानी तैयारी काल और प्रतियोगिता काल और रिकवरी यानी कि पुनः प्राप्ति काल, संक्रमण काल भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी के बारे में दिया गया है। तैयारी काल वन में हम क्या करते हैं, इसका फोर हो जाएगा कि तकनीकी एवं स्थिति पर आधार का निरूपण करते हैं। और तैयारी काल टू में क्या करते हैं कि तकनीकी का विकास करते हैं तैयारी काल टू में। फिर प्रतियोगिता काल में क्या करते हैं दोस्तों, जो हम लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सी का वन हो जाएगा। एंड संक्रमण काल यानी कि पुनः प्राप्ति के लिए रेस्ट लेते हैं, रिकवरी लेते हैं फिर, ठीक है। इस प्रकार आपका क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची वन से ट्रू का पुनः मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि FINA फीना, फीना जो है तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है नियंत्रित करने वाली, तो ए का थ्री हो जाएगा। एंड FIDE फीडे जो है शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कंट्रोल करने वाली। एंड AAFI ये है आपकी एथलेटिक्स की संस्था, सी का टू हो जाएगा। एंड FIFA फीफा जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो आपका कॉर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को नियोजन एवं मूल्यांकन में सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, कि कार्यक्रमों को छात्रों को लाभान्वित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है, न कि शिक्षकों और संस्थान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसामयिक शारीरिक शिक्षक के समक्ष कौन सी समस्याएं और चुनौतियां हैं। तो समसामयिक यानी इस समय जो शारीरिक शिक्षक है उनके सामने कौन सी समस्याएं और चुनौतियां हैं, यहाँ पे हो जाएगा क राइट, यानी कि वन टू एंड थ्री। वन में क्या है कि शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का स्थान और सभी बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता की तर्कसंगता, एंड शैक्षिक पाठ्यचर्या में सारी शिक्षा का स्थान, ये आपका राइट है। एंड नेक्स्ट है कि सारी शिक्षा कार्यक्रमों के कुप्रबंधन के कारण सारी शिक्षा के सिद्ध नहीं किए जाने योग्य लाभ है। तो यहाँ पे हो जाएगा घ टू वन थ्री, यानी कि वन टू थ्री। तो यहाँ पे टू यानी कि सामाजिक विकास, चरित्र विकास एंड शिक्षा की सेवा जो है एक कुप्रबंधन के कारण सारी शिक्षा के सिद्ध नहीं किए जाने योग्य लाभ हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के वर्तमान नेतृत्व को कैसा होना चाहिए। तो वर्तमान नेतृत्व को शारीरिक शिक्षा के होना चाहिए संप्रेषणीयता में कुशलता होने के साथ शैक्षिक रूप से सक्षम भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा को परिवर्तन को अपनाने के लिए तत्पर रहना अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट हो जाएगा क, क्योंकि तत्परता भविष्य के लिए तैयार करती है। एंड तत्परता ये परिवर्तन असंभावी है, ठीक है, एंड तत्परता वर्तमान के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा को परिवर्तन को अपनाने के लिए यह आवश्यक है। तो दोस्तों ये था आज के लिए 46 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस कठिन स्तर के थे और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड किसी भी टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना होगा तभी आप सही आंसर दे पाएंगे, ऊपर ऊपर से कोई चीज़ पूछा नहीं जा रहा है। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए।
एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।